सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल सब्सक्राइब एनिमेशन आप कैसे बना सकते हो, और साथ में इंस्टाग्राम का एनिमेशन, इन दोनों को आप कैसे प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हो। और यहाँ पे हम पीसी वगैरह का हम यूज़ नहीं करेंगे, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इन दोनों एनिमेशन को हम बनाएंगे। और इनको बनाने के लिए गाइस मैं यूज़ करने वाला हूँ काइंड मास्टर एप्लीकेशन का। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो काइंड मास्टर एप्लीकेशन तो आपके पास होगा ही। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को देखते रहिए एंड तक। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो अभी मैं काइंड मास्टर एप्लीकेशन के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो वीडियो को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, एक सब्सक्राइब एनिमेशन वाली और दूसरी इंस्टाग्राम एनिमेशन वाली, ठीक है। तो इन दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको 60:9 रेशो को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने जो फाइल डाउनलोड की है अपनी वीडियो वाली, सब्सक्राइब एनिमेशन वाली और इंस्टाग्राम एनिमेशन वाली, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हम सब्सक्राइब एनिमेशन को हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो को प्ले करना है, और आपको वहाँ पे रोकना है जहाँ पे ये स्लाइड अप हो रहा है। तो यहाँ पे ये रुक गया, ठीक है, स्लाइड अप होना। तो यहाँ पे आपको स्टॉप करके वीडियो को ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ट्रिम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम ऑफ लेफ्ट, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद आपको आगे जाना है, और यहाँ पर ये जहाँ पर स्लाइड डाउन हो रहा है वहाँ पर आपको इसे रोक देना। तो यहाँ पर ये डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे से आपको रोक के वीडियो के ऊपर क्लिक करके ट्रिम ऑफ राइट कर देना है। तो अभी हमारे पास इतना पार्ट बचेगा। तो अभी यहाँ पे आपको अपने चैनल के लोगो को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे जाएंगे, और यहाँ पे हम अपने चैनल के लोगो को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारे चैनल का लोगो। तो अभी आपको इसको छोटा करके, अभी ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसके अंदर आपको यहाँ पर से सेट करना है, ठीक है। तो अभी मैं सेट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा जो लोगो है वो इसमें सेट हो चुका है, ठीक है। तो अभी आपको जो लोगो वाला लेयर है इसको आपको वीडियो के ऊपर आपको पूरा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑल हो चुका है। तो अभी यहाँ पे आपको अपने चैनल का नेम लिखना है। तो यहाँ पर आपको लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और अपने चैनल का आपको नेम लिख लेना है। तो अभी मैं अपने चैनल का नेम लिख लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है, और सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर को आपको चेंज करना है। तो मैं ब्लैक कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट है आपका उसको आपको चेंज करना है। तो आप कोई सा भी स्टाइलिश टेक्स्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको इसको इसे यहाँ पर सेंटर पर आपको ले आना है, और इसके साइज़ को आपको थोड़ा सा छोटा कर देना, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी हमारा नेम यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके इसके नेम वाले लेयर को भी आपको फुल कर देना है, ठीक है। तो अभी ये फुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम वाले लेयर पे आपको क्लिक करके इन एनिमेशन पे जाना है, और यहाँ पर आपको स्लाइड राइट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है, स्लाइड राइट। तो इस तरह से कुछ ही होगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे इसको आपको एक्सपर्ट कर लेना, सेव कर लेना। तो वीडियो के ऊपर क्लिक करके शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको, अगर आप एमबी वगैरह को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट कर देना। ओके गाइस, तो अभी जो हमारा वीडियो है वो सेव हो चुका है। तो अभी हम बनाते हैं इंस्टाग्राम का एनिमेशन। तो अभी ये दोनों वर्क किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम के एनिमेशन को बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिर से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं 60:9, और उसके बाद मीडिया पे जाते हैं, और यहाँ पे आपने जो इंस्टाग्राम वाला एनिमेशन आपने डाउनलोड किया है उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम का एनिमेशन। तो आपको वीडियो को प्ले करके थोड़ा सा आपको आगे जाना है। तो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आपको इसे रोक कर यहाँ पर अभी आपको टेक्स्ट को लिख लेना है, आपके चैनल का जो भी नेम है। तो ये रहा हमारे चैनल का नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना, और इसके कलर को भी आपको ब्लैक कर देना है।
और इसका जो टेक्स्ट है उसको भी आपको थोड़ा सा स्टाइलिश आपको कर देना है अगर आप करना चाहते हो तो। उसके बाद इसको भी आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फुल कर देना है। और यहाँ पे आपको इसे थोड़ा सा आगे कर देना यहाँ पे। और इसका भी जो एनिमेशन है उसको भी आपको स्लाइड राइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि ये इसके साथ अच्छा लगे, मैच हो। तो यहाँ पे हमने स्लाइड राइट कर दिया, तो अभी हम प्ले करके देखते हैं। ओके गाइस, तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो इंस्टाग्राम का एनिमेशन है वो एकदम मैच हो चुका है। बट यहाँ पे जो आउट एनिमेशन है उसको भी हमें यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे जहाँ से इंस्टाग्राम का एनिमेशन बैक जा रहा है वहाँ पे आपको इसे रोक कर यहाँ पे जो बाकी वाला हिस्सा है ट्रिम ऑफ राइट, इसे आपको कर देना है। तो यहाँ पे अभी हम ट्रिम ऑफ राइट कर देते हैं। तो अभी हम अपना वीडियो प्ले करके देखते हैं। ओके गाइस, तो अभी हमारा देख सकते हो हमारा जो इंस्टाग्राम का एनिमेशन है वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी हमारे दोनों वीडियो बन चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे इन्हें यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी किसी वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने इस वीडियो को बनाया, तो यहाँ पे मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इंस्टाग्राम एनिमेशन। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना। तो अभी जिस वीडियो को आपने एक्सपोर्ट किया है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये रहा गाइस हमारा इंस्टाग्राम का एनिमेशन। तो यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे रख के आपको यहाँ पे क्रोमा की का यूज़ करना है। तो क्रोमा की को आप जैसे इनेबल करेंगे तो अभी आप देख सकते हो हमारा इंस्टाग्राम के नेम का जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद अभी गाइज हम यूज़ करेंगे अपना यूट्यूब सब्सक्राइब बटन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे जाना है। देन यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे जाने के बाद ये रहा हमारा सब्सक्राइब एनिमेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको थोड़ा सा नीचे करना और यहाँ पे आपको इसे डन कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्रोमा की का आपको यूज़ करना और इसे इनेबल कर देना। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ पे आपको इन एनिमेशन पे आना है और स्लाइड अप कर देना। और फिर वीडियो के ऊपर क्लिक करके जो आउट एनिमेशन है उसके ऊपर क्लिक करके स्लाइड डाउन कर देना। तो अभी आप देखोगे कि हमारा जो सब्सक्राइब एनिमेशन है वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से वर्क करेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से गाइज आप अपना सब्सक्राइब एनिमेशन और इंस्टाग्राम एनिमेशन आप प्रोफेशनल तरीके से आप बना सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Take care of my heart.